अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टीचर बाजी प्रो। आज मैं आपको एयरलाइन शर्ट कटिंग करना बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं। ये देखें कि ये कढ़ाई वाला सूट था, यानी कि ये पहले से कढ़ाई इसकी हुई हुई है। देखें फ्रंट दोनों से, ये देखें गला बना हुआ है इनका, ये देखें। तो ये मैंने प्रेस करके बिठाए हुए हैं। ये देखें हमारा बैक पल्ला बिल्कुल सादा है और फ्रंट पल्ले पे इसके कढ़ाई है, दामन पे भी और गले पे भी। तो मैंने जो इसकी लंबाई थी वो मैंने इसकी लंबाई पूरी ले ली, यानी कि इसकी लंबाई आ रही है 43 इंच। ये देखें 43, ये देखें 43, ये किनारे पे देखें 43 आ रहा है। तो हमने बैक पल्ला इसका थोड़ा सा इसलिए बड़ा लिया है क्योंकि ये कढ़ाई का सिस्टम है इसके साथ, तो हम इसको बारीक बारीक फोल्डिंग में ले आएंगे अंदर की तरफ। लेकिन पिछला पल्ला इसका हम थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा मोड़ेंगे क्योंकि ये अगला पल्ला बहुत ज़्यादा भारी है, तो जिसकी वजह से हमने इसका बैक पल्ला जो है थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा मोड़ेंगे ताकि इसका बैलेंस रहे। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि आजकल बेशेप में गले, जो छोटे गले हैं वो बड़े जो इन हैं, तो ये देखें इन्होंने भी छोटा गला दिया हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा इसको कटिंग करके हटा दिया है क्योंकि हमें 4 साढ़े 4 पे गला चाहिए था। तो ये देखें हमारा 4.5 पे गला आ रहा है, ये देखें 4.5 पे, ये मैंने निशान लगाया है आपके सामने, ये देखें, और ये 4.5 पे गला आ रहा है। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये जो कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, ये देखें कि शरिंग करने के बाद, ये देखें कि हम इसको जितना मर्जी है इसको खींच लें ऐसे करके, ये देखें, लेकिन ये सलवट इसकी नहीं जाती, ये सलवट इसकी इसी तरह रहती है क्योंकि इसके पीछे ये चेपी लगी हुई है। हमने चेपी भी हटाई है इसकी सारी की सारी, ये चेपी जो लगी हुई थी ये हटा दी है मैंने, तो काफ़ी हद तक लगी हुई थी सारी हटा दी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कढ़ाई कपड़ा जो है ना, उन्होंने पहले पानी में नहीं डाला जिसकी वजह से उन्होंने ये कढ़ाई की है, और कढ़ाई करने के बाद जिस वक्त हम लेकर, ये लेडीज जब खरीद के लेकर आती हैं, तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये सारी की सारी धागा, सारी बात है धागा होता है, धागा जब श्रिंक होता है, कढ़ाई जब श्रिंक होती है, तो फिर ये भी ये दामन में से इसकी सलवटें आ जाती है, ये देखें। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको बारीक बारीक फोल्डिंग में लाएंगे ऐसे करके, ताकि हमारी कढ़ाई में कोई फर्क ना पड़े। तो ये देखें, ये देख लें आप कितनी ज़्यादा इसमें वो सलवट आ रही है। बेशेप गले का मैं बता रही थी कि छोटे गले आजकल इन हैं, तो हमने छोटा ही गला इसका रखा हुआ है, ये देखें हमने ऊपर से सादा भी रखा हुआ। अब हमें तीरा चाहिए इसका 8 इंच, ये देखें मैंने 8 इंच तीरा लिया क्योंकि हमें 7.5 तैयार आना चाहिए, 7.5 तैयार आना चाहिए। तो ये देखें 7.5 तैयार जैसे कब आएगा, तो हमने 1/4 इंच दबाव के लिए लिया है कपड़ा। मैं आपको पहले भी बताया था कि कपड़ा 1/4 इंच दबाव में लाना है, 1/2 इंच कपड़ा कभी भी ना दबाएं क्योंकि 1/2 इंच जो कपड़ा होता है वो निकल जाता है बाद को सिलाइयाँ। ये 7 इंच हमारा कंधा है, 7.5 पे है, तो हमने 7 इंच लेना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कंधा हमेशा 1/2 इंच कम करके लें, हमारा जो नाप है वो 7.5 है, लेकिन मैंने देखे यहाँ पे 7 इंच लिया है, ये देखिए आपके सामने। उसके बाद चेस्ट हमारी आ रही है 19 19, ये देखिए 9 और 9 18 और 1 19, 2 सूत हम बढ़ाएंगे बाजू लगाने के लिए, ये देखिए 2 सूत मैंने बढ़ा दिया, ये देखें। उसके बाद मैं इसकी यहाँ से चेस्ट से लूँगी कमर तक का 7 इंच का फासला। उसके बाद हमारी कमर आ रही है 17 इंच, ये देखें 17 इंच, 8 और 8 16 और 1 17, 1/2 इंच, 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पे हमने निशान लगाने के बाद चेस्ट को हमने कमर से मिला देना है। जब हम चेस्ट को कमर से मिला देंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एयरलाइन शर्ट में हम हिप नहीं लेते, मोटी औरत के लेते हैं, जो स्मार्ट लड़कियाँ होती हैं हम उनका नहीं लेते। ये देखिए वो भी हम अपनी तसल्ली के लिए लेते हैं कि आया हमारे पूरे आते हैं या नहीं आते, हिप के पास है। एयरलाइन शर्ट में लेडीज़ को मोटी, लेडीज़ को तंग ना हो, इसलिए हम अपनी तसल्ली के लिए लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कमर के पास से रखा और मैं इसको दामन के पास ले गई हूँ, ये देखिए दामन के पास, दामन के पास ले जाने के बाद मैंने इसको क्या करना है कि पॉइंट लगाना है। ये देखिए कपड़े को मैंने उंगली से दबा के रखा है और मैंने डॉट्स लगा लिए पूरे के पूरे, कपड़ा भी अपनी जगह से नहीं हिला और शर्ट भी हमारी ड्राफ्ट हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि कंधा गोल करना है, ये देखिए मैंने कंधा गोल कर लिया। कंधा गोल करने के बाद हमारी गले की चौड़ाई जो कढ़ाई है वो हम हिसाब लगाएंगे 3.5, तो इसलिए हम यहाँ ऊपर से 3.5 रखेंगे। ये देखें ये 3.5 है, यहाँ से हम जो कढ़ाई का नोक होती है ना उससे आप इस गले को नापें, ये देखें 3.5 आ रहा है, तो 3.5 को आप ऊपर ले जाएं, ये 3.5 में ले गई ऊपर। तो हमने क्या करना है कि अब हम इसको 1/4 इंच जो है कंधा गिराएंगे इसका, ये दो सूत्र कम, शोल्डर की लाइन को गले के पॉइंट से मिला दें, ये देखें मिला दिया मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप चेस्ट कमर के पास से 2 इंच छोड़ें, हमेशा 2 इंच छोड़ें, ये देखें 2 इंच,
ये 2 इंच आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ये 2 इंच, ये लास्ट तक मैं इसको 2 इंच लेके जाऊंगी, ये देखें। हमेशा 2 इंच कपड़ा छोड़ें, क्योंकि अगर लेडीज का खुला भी उन्होंने करवाना हो थोड़ा सा और, तो वो आराम से इसको खुला करवा सकती। अब इन पॉइंटों को आप कटिंग में ले आए, ये देखें मैं काटूंगी आपके सामने, ये मैंने कटिंग कर लिया। उसके बाद मैं इसका आर्मो कटिंग कर रही हूँ, ये देखें पॉइंट पे ले आई। पॉइंट पे लाने के बाद थोड़ी सी कढ़ाई काटना मुश्किल होती है, क्योंकि ये मोटी होती है उसकी वजह से। ये देखिए ए लाइन शर्ट हमारी कट गई। अगर हम यहाँ से मिसाल के तौर पे फिटिंग लाइन हमारी ये है, अगर हम मिसाल के तौर पे लेडीज़ को अगर तंग भी पड़ती है शर्ट या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम भी होती है, तो इतना कपड़ा इनके पास ऑलरेडी पहले से हमारे पास मौजूद होता है। हम उसको कितना खोलेंगे, 1 इंच खोल लेंगे, फिर भी हमारे पास 1 इंच 1.5 इंच कपड़ा फिर भी दबाव के लिए बचता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इसको फिटिंग के कुटके लगाएंगे, ये देखिए फिटिंग का गुटका। कमर के पास से मैंने आपको बोला था कि कमर के पास से आप 13 इंच का फासला लेके आप ज़रूर कुटका लगा दें, बेशक आपके ने चाक बंद सीनी है, चाक बंद शर्ट भी सीनी है, तब भी आप कमर का ये हिप का कुटका ज़रूर लगा के छोड़ें, क्योंकि बाद का बाद की बातें जो होती है वो बाद की होती है। बाद में अगर खुला खुला करना चाहें तो, चाक खोलना चाहें तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से कुटका लगा हुआ होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने ये गिराना है, नमक 12 18.5 है तो यहाँ पे 4.25 आएगा, ये देखिए 4 और 2 लाइनें, ये देखिए। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 इंच ले लें, 1 इंच, जो कपड़े ज़्यादा लूजिंग वाले होते हैं उनको 1 इंच, जो हार्ड कपड़े होते हैं उनको आप 0.25 इंच पे कटिंग करें। ये देखिए मैंने नमक 12 गिरा दिया, आपको नज़र आ रहा होगा कि नमक 12 मैंने गिरा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि गला ऑलरेडी तो हमारा ये है 4 इंच पे, और हमने क्या करना है कि ये हमने ये गला हम अगर हमारा है 3.5 पे, तो हम इसका गला लेंगे बैक 3 पे, 3 इंच और 3 इंच, ये देखो मैंने कटिंग करके हटा दिया हमें, यानी कि हमारा गला फ्रंट वाला तकरीबन 1.5 इंच बड़ा है, बैक से हमारा गला 1.5 इंच बड़ा है। ये देखिए मैंने कितनी खूबसूरत शर्ट काटी, अगर हमने इसको चाक क्लोज भी कर देना तो तब भी दामन इसका ठीक ठाक आएगा। ये देखिए दामन, अगर मैं इसका यहाँ से 1 इंच भी दबाती हूँ तो 16 × 32 इंच दामन इसका आ रहा है, 32 इंच अगर हम चाक बंद में भी सीए तो तब भी इंशाल्लाह जो है ना सही ठीक ठाक इसका घेर होता है, तो ये पहनने में तंग नहीं करती। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जो एयर लाइन शर्ट है, एयर लाइन शर्ट में कमर जो होती है, कमर को आप दामन से मिलाओगे सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, जिस लेडीज़ का आपने नाप लेना है उसके लिए, आपने हिप लेने के लिए आपने कमर से चेस्ट से हिप तक तकरीबन 13 इंच फासला लेने के बाद जब आप निशान लगाओगे, तो उसके बाद आप जब जैसे कमर से आप दामन मिलाते हो तो उसके बाद यहाँ पे इंची टेप रख के आप तसल्ली कर लोगे, आया जो हमारे हिप हैं वो इस ए लेंथ शर्ट में पूरे आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे पास 2.5 इंच कपड़ा पहले से मौजूद होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 इंच अगर खुलना भी आपको करना करना पड़े तो 1 इंच आप खोलेंगे तो फिर भी 1.5 इंच कपड़ा आपके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली शर्ट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी होगी, तो इसके ऊपर कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये देखिए मैंने पूरी शर्ट कटिंग कर ली। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बाजू, अब मैं इसके आपको बाजू कटिंग करना बताऊंगी। ये देखिए बाजू है इनके, इसके ऊपर भी देखिए ये लाइट से इन्होंने कढ़ाई दे रखी है, ये देखिए इसके इसके ऊपर भी ये चेपी है, तो ये चेपी भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, इसको आप उतार लें ऐसे करके, ऐसे खींच के उतार लें, तो ये देखिए ये कढ़ाई भी इसकी ऐसे दी हुई होती है, इन लोगों ने बाजू कात के ये कढ़ाई भी उतर जाती है, बाजू कात कहीं ना कहीं से रफ होने लग पड़ती है। तो ये देखिए ये हमारे बाजू हैं, तो हम इसको
फोल्ड करके रखेंगे। फोल्ड करके रखने के बाद ए लाइन शर्ट के हम ये इस वाली ए लाइन शर्ट के हम बाजू जो हैं बेल में नहीं रखेंगे, हम इसके बाजू रखेंगे फिटिंग में। ये देखें, अब हमें बाजू इनके चाहिए 22 इंच, तो हम लेंगे 24 इंच। ये देखेंगे कि हमारी यहाँ से ये कटिंग वाला कपड़ा ये है, ठीक है, ये हमारा कान आ रही है कपड़े में। ये देखें कान आ रही है कपड़े में, ये देखें कपड़े में कान है, एक बड़ा पल्ला और एक छोटा पल्ला। ये देखिए 24 इंच लेने हैं तो हमारे, ये देखें 24 इंच हमारे पूरे आ रहे हैं। ये देखें 24 इंच आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे 24 इंच ये बाजू पूरे आ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कपड़ा ख़राबी में आ जाए उसको कटिंग करके हटा दें, ताकि आपको कंधे की गुलाई करने में कोई परेशानी ना हो। अब हम कंधे की गुलाई इसकी करेंगे 3 इंच पे। लेडीज़ बाजू मैंने आपको बताया था कि 3 इंच पे हम कटिंग करते हैं, और अलमद आ की तरह आपने कटिंग करनी है। उसके बाद हमने फिटिंग इसकी लेनी है 5.5 इंच, 5.5 से आप 6 इंच भी ले सकते हो, कपड़ा अंदर छोड़ने के लिए। कपड़ा अंदर छोड़ें ताकि आपको लेडीज़ के लेडीज अगर कोई ऐसी ऐसी बात भी हो, बाजू खुले भी करने हो, तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो, आप आराम से तसल्ली से इसके बाजू आप खुले कर सकती हैं। ये देखें ये फिटिंग बाजू है, ये मैंने फिटिंग बाजू ड्राफ्ट किए हैं। पहले मैंने आपको वीडियो पहले वीडियो में आपको मैंने बेल बाजू 2 दफ़ा कटिंग करना बताया, आज मैं आपको ये जो है इस वीडियो में आपको मैं फिटिंग बाजू काटने बता रही हूँ। ये देखें मैं डॉट्स के ऊपर से नहीं काटती, ताकि आपको ये डॉट्स इसके नजर आए। ये देखें आपको नजर आ रहे होंगे इनके डॉट्स, ये देखें। उसके बाद फिटिंग बाजू बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी सी अंदर की तरफ से गुलाई करते हैं। ये देखें मैं आपके सामने थोड़ी सी अंदर की तरफ से, यानी कि 1/2 इंच अंदर की तरफ से गुलाई करके, लास्ट में जो आपका निशान है आपने उस लास्ट निशान के ऊपर ही कटिंग करना है। सिर्फ क्या करना है, गुलाई आपने सिर्फ थोड़ी सी यहाँ दरमियान से करनी है, ये दरमियान से, ये दरमियान से। लेकिन बाजू आपने जो रखा है वही लेंगी, वो देखेंगे पॉइंट लगा हुआ है आपके सामने, मैंने पॉइंट पे कटिंग किया है इसको। ये देखें जो मैंने पॉइंट लगाया था, निशान लगाया था ये कलर चौक से, ये देखें ये लगा हुआ है। और इसके साथ ही मैंने हल्की सी अंदर की तरफ से मैंने ये गुलाई की है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी ये देखें मैंने अंदर से हल्की सी गुलाई करके, ये देखें अंदर की तरफ से हल्की सी गुलाई करके फिटिंग वाले पॉइंट पर मैंने कटिंग किया है। उम्मीद है आपको मेरे ये वाले बाजू भी, फिटिंग बाजू भी काटने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आप बार बार अखबार लेके या कोई कपड़ा ये कागज़ लेके या सादे पेपर लेके या खाकी पेपर लेके बार बार ये बाजू कटिंग करें, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ भी कटिंग करनी आ जाएगी। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो इंसान को कटिंग करना ना जो करना ना आए, थोड़ी सी इंसान को हिम्मत और नॉलेज जो है उससे काम लेना पड़ता है। तो ये उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली ओपन शर्ट और फिटिंग वाले बाजू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे होंगे, और कटिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।